हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आज किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सारे ही ड्रॉर्स को मुझे वाइप करना है। उसी के लिए सारे बर्तन बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद पहले वैक्यूम चला दूँगी और मेरे पास एक ऑल सरफेस क्लीनर है, उससे सारे सरफेस को वाइप कर दूँगी। जो बर्तन लगेंगे धोने की ज़रूरत है उसे डाल दूँगी डिशवॉशर में। वैसे सारे बर्तन साफ ही है, पर कुछ ऐसे प्लेट्स हैं, कटोरियाँ हैं जो डेली बेसिस पर यूज़ नहीं होती है, उन सबको सोचा है कि आज वॉश कर लेते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर होने से ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वरना इस टाइप के ड्रॉर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स होता है उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर वैक्यूम हो तो आराम से साफ हो जाता है। आजकल अंगद जा रहे हैं ऑफिस, अगर आप मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा, तो मुझे मिल जाता है सारा दिन। तो आज डिसाइड किया है कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग किया जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो गाना सुनते सुनते किचन की क्लीनिंग करने में फुर्ती भी रहती है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो बस डीप क्लीनिंग में मैं ये ड्रॉर्स ही साफ कर रही हूँ, और इसके बाद जो नॉर्मल जैसे साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा, घर की डस्टिंग, वो सभी करूंगी। बस यही एक काम है जो आज एक्स्ट्रा कर रही हूँ। घर की साफ सफाई हो गई, जो मेजर मुझे करना था, बस एक ही काम बचा है, कपड़े डालूंगी धोने के लिए और उसके बाद जाऊंगी शावर लेने के लिए। बड़ा ही अच्छा मौसम है, मतलब धूप निकली हुई है, कपड़े तुरंत सूख जाएंगे, ये गर्मी का एक तो फायदा है। एनीवेज देखिए, काम अगर सोचा ठाना तो हो ही गया, वरना बहुत ही आसान है सोच लेना कि चलो नहीं करती और कर लेंगे, तो टालना बड़ा आसान है। लेकिन अगर एक रूटीन बना लीजिए, मन में ठान लीजिए कि नहीं आज इस पोर्शन को क्लीन कर लेंगे, नहीं ये जो मेरा डेली का रूटीन है क्लीनिंग का उसको फॉलो कर लेंगे, तो आदत हो जाती है। मुझे भी आदत हो गई है एक्चुअली। अभी थोड़ा बहुत डस्टिंग जो मेरा प्रोसेस है ना, डस्टिंग कर लेना है, झाड़ू पोछा कर लेना है, सारे बेड ठीक कर लेने हैं, कुशन्स को ठीक कर लेना है, सामान को जगह पे रख लेना है, 45-40 मिनट लगते हैं रोज के, वो क्लीनिंग बारी हो जाता है, फिर दिन भर आराम हो जाता है। तो ये एक रूटीन है जो आपको धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अब जाती हूँ लेने के लिए शार फटाफट, उसके बाद बनाएंगे लंच। आज थोड़ा सा कुछ अच्छा लंच बनाऊंगी, भले खुद के लिए बना रही हूँ पर सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाऊं, क्योंकि आज कुछ चटपटा अच्छा खाने का मन कर रहा है, भूख लगी है एक्चुअली। कुछ बनाएंगे पर पहले शार लेके आते हैं। जब भी बाल वॉश नहीं करना होता है तो मैं इस तरीके से हेयर कैप पहन लेती हूँ, और आज हेयर कैप बहुत अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे जो भी छींटे पड़े हैं इसको मैं अभी इस क्लॉथ से वाइप कर लूंगी,
तो अभी इमीडिएट वाइप करने से ना ये देखिए कितना चमचमाता रहेगा। 2 साल से बाथरूम यूज हो रहा है पर अभी तक क्रोम में देखिए तो कोई भी पानी के धब्बे नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि मैंने और अंगद ने, हम दोनों ने ये हैबिट डेवलप की है कि शावर लेते ही इसे वाइप करना है। अगर आप इसे 2 से 3 दिन भी नहीं वाइप करोगे और पानी छोड़ दोगे तो फिर उसका दाग जो है वो रह जाएगा, फिर आपको लिक्विड वगैरह लगा के वॉश करना पड़ेगा, मतलब साफ करना पड़ेगा। और ये देखिए बस थोड़ा सा वाइप किया और ये कितना चमचमा गया है। और ठीक ऐसे ही ये भी साफ कर सकते हैं, ये जो ऊपर पानी के धब्बे पड़ते हैं ना, तो मेरा जो ये नल है ये देखिए ऊपर से फ्लैट सरफेस है, उसकी वजह से यहाँ पे पानी जम जाता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे कर्विंग हो तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, पर ये वैसा डिजाइन है नहीं, स्लीक था पर ऊपर रेक्टेंगुलर होने की वजह से जम जाता है। तो बस इसे भी हमें एक बार अच्छे से वाइप कर देना है और ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो हैबिट है, रोज करिए, कोई मेहनत नहीं लगती है। गर्मी के सीजन का पहला कच्चा खट्टा आम हमारे घर आ चुका है और अब इसकी बनने वाली है खट्टी मीठी सी चटनी। ये खट्टा आम देख करके मन कर रहा है कि इसे काटूं, पतला पतला डालूं इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चीनी, और इसे बोलते हैं झग्गा, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मन कर रहा है वो खा लूं, पर मन पे कंट्रोल करूंगी और इसकी बनाऊंगी चटनी, क्योंकि दाल और राइस सिंपल सी बना रही हूं, साथ में बना रही हूं आलू का सन्ना। क्या होता है आलू का सन्ना वो आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके कॉम्बिनेशन में ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, एकदम ही सिंपल सा गर्मियों वाला खाना है, तो आज वही बनाते हैं, उसी प्लान पे रहते हैं। पर मैं लाऊंगी और आम और बनाऊंगी झग्गा एक दिन। वैसे ये जो भी आम है कच्चा वाला, ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि जैसे अंगद को दही से परहेज है, अचार से परहेज है, वैसे इस खट्टे आम से भी परहेज है, उसे पसंद नहीं है। तो जो ये सब आता है ना खट्टी मीठी चीजें, ये सिर्फ मेरे लिए आती है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में है, पर आज बनाते हैं। वैसे ये एक ही मेरे लिए 3 से 4 दिन चलेगा, इसे मैं स्टोर कर लूंगी। दाल बनाते वक्त ही ना मैंने 2 आलू बॉईल होने को डाल दिए थे, तो अब मैं इस आलू का बना लूंगी सन्ना, जिसको चोखा भी बोलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा जाएगा चटनी और सैलेड के साथ। तो ये साथ साथ में बॉईल हो गया, छोटा छोटा दिया है, एक बड़ा आलू है एक छोटा है, मेरे लिए इतना ही काफी हो जाएगा। और ये जो सन्ना बनता है ना, ये 2 तरीके से बनता है। एक तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी बना सकते हैं मसाले वगैरह डाल करके, जैसा डोसा वगैरह के लिए बनता है ना फिलिंग आलू का, एक वैसा बनता है। पर मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, वो ऐसे ही इसी आलू में ही ऊपर से ही सब मसाले वगैरह डाल देंगे, प्याज वगैरह, और ऐसे ही बन जाएगा। इसको अच्छे से मैश करने के बाद ना, मैंने इसमें कच्चा सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा, पर ये उन लोगों को ही अच्छा लगेगा जिन्हें कच्चा सरसों का तेल का टेस्ट अच्छा लगता है, जैसे अंगद को नहीं पसंद तो वो पकाने के बाद ही खा सकता है, पर क्योंकि सिर्फ मेरे लिए और मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ऊपर से कच्चा सरसों का तेल डाला। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ग्रीन चिली, कटे हुए प्याज, नींबू का रस, थोड़ा अच्छे से हल्का सा खट्टा बनता है ये, थोड़ा सा अचार का मसाला, ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको खट्टा खाना ना पसंद हो तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने नींबू डाला है ना, पर मुझे थोड़ा सा इसे, क्योंकि दाल और राइस है ना तो वो थोड़ा सा सिंपल ही है, तो हल्का सा इसमें खट्टास रहेगी तो टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी जीरा पाउडर, जीरा पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, और हमारा आलू का सन्ना चोखा बनकर के रेडी हो गया। तो आज पूरा समर स्पेशल लंच हो गया है हमारा, तीनों चीजें ऐसी हैं जो समर में खाने में अच्छा लगता है, और एकदम ही लाइट भी है राइस और दाल के साथ में। दाल को मैं हल्का सा छौका लगा लूंगी सिंपल सा जीरा के साथ, और ऊपर से मैं डाल लूंगी राइस में थोड़ा सा घी, और हमारा लंच हो गया रेडी।
कॉम्बिनेशन है ना खाने का समर में या विंटर में अलग होता है, ये सब हमारा एकदम देसी घर का स्टाइल है खाना खाने का। मतलब घर में गर्मियों में ऐसे ही बनेगा आम दिनों में, कुछ लाइट जो आपके हैवी ना हो स्टमक पे, आप पचा सको इजिली, खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये प्रॉपर वैसा वाला फूड है, कम्फर्ट फूड बोल सकते हैं इसको, बनाना भी आसान है, खाने में भी स्वाद लगता है। अगर सब्जी कभी नहीं बनाने हो तो ऐसे कचुम्बर सैलेड और चटनी, अचार, घी, पापड़ के साथ भी आप खाना खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा खाने के बाद। एक घंटे में आपको लगेगा खाना इजिली आपका पच गया है। तो ये सब कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है और अगर मैं अकेले खुद के लिए बनाती हूँ तो ऐसा वाला सब बना लेती हूँ। अंगद को थोड़ा सा उतना पसंद नहीं है, जैसे कच्चा सरसों का तेल वाला उसको पसंद नहीं आएगा, तो अगर वो होता और मैं बनाती चोखा तो इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती आलू को ताकि इसका स्मेल ना आए, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अचार बिल्कुल भी नहीं डालती वैसा तो, पर अगर खुद के लिए बनाती हूँ तो बिल्कुल उस स्टाइल का जैसा बचपन से खाते आए हैं, खाने में आसानी, पचाने में आसानी। तो चलिए पहले मैं लंच खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे शाम को मिलती हूँ जब अंगद आ जाएंगे, तो अंगद से भी आपको मिलाऊंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि अंगद को आजकल आप व्लॉग में नहीं लाते हो, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, अंगद को व्लॉग में लाया करो। तो मैं तो बहुत चाहती हूँ कि व्लॉग में आए, क्यों ना आए, खूब अच्छे से आए, पर इतना बिजी है वो तो उसको टाइम नहीं मिलता है। और जैसे ही ऑफिस खत्म होता है उसको मन करता है कि बस लेट जाए, टीवी देखे, थोड़ा सा शांति से बैठे। ऐसे में कैमरा लेकर मैं आ जाऊंगी, चलो कुछ बातें करते हैं, चलो मेरे व्लॉग में आओ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ। तो आजकल आपको मेरे व्लॉग में उसकी अपीयरेंस कम लग रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको थोड़ा सा बोलूं कि आ जाए करो, थोड़ा सा हाय हेलो कर लिया करो। तो शाम को जब वो ऑफिस से आता है तो मैं उसको पकड़ती हूँ चाय टाइम पे और आपसे बातें करवाती हूँ। 3 hours later. गुड इवनिंग, अभी अंगद का फोन आया कि ऑफिस से निकल चुके हैं, 5:15 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये आपको दिख रहा है ये जो कीड़ा है, ये मेरा ध्यान अभी गया, ये एक्चुअली घर के अंदर है क्योंकि ये मॉस्किटो मेश में है और मॉस्किटो मेश तो घर की तरफ होता है, और ये मुझे बहुत ही खतरनाक सा कोई कीड़ा लग रहा है। मुझे वो हिट से जो मारा जाता है वो नहीं अच्छा लगता, तो मुझसे तो होगा नहीं, वेट करती हूँ, आई होप तब तक ये घर के अंदर ना घुस जाए, क्योंकि ये जो गैप होता है ना यहाँ से निकल सकता है इजिली, ये घर में आ सकता है। तो मेरा ध्यान तब से इसी के ऊपर है, पता नहीं किस टाइप का कीड़ा है, बहुत ही लंबी सी सूंड है इसकी। चाय पीना मुझे कितना पसंद है ये आपको पता होगा अगर आप मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, तो चाय टाइम मेरे लिए एक एक्सपीरियंस की जैसा है जो मैं रोज एक्सपीरियंस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। पर जब से गर्मियां आई है तो ये प्यार जो है वो एक रिचुअल में तब्दील हो गया है, मतलब बस कहने के लिए अब एक करना है, करते आ रहे हैं, रह नहीं सकते, आदत हो गई है, बोल के पीती हूँ, पर वो मजा नहीं आता है, वो क्रेविंग नहीं लगती है। तो आप लोग के साथ क्या हो रहा है बताइए, चाय को डिच कर दिया है फिलहाल गर्मियों में कि नहीं, अभी भी मोहब्बत निभा रहे हैं? हम तो मोहब्बत निभा रहे हैं शिद्दत से, पर हाँ थोड़ी एंजॉयमेंट कम हो गई है। और कभी कभी मुझे लगता है जब मैं बातें करती हूँ या सुनती हूँ अपना ये व्लॉग, मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ, और कुछ लोग कहते भी हैं शोना बहुत फास्ट बोलते हो, पर मैं आपको सच बताऊं मैं बहुत ट्राई करती कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं। मैं इतना फास्ट बोलती थी कि जब हमारे लॉ कॉलेज में कोई भी ऐसा मूड कोर्ट कंपटीशन वगैरह होता तो सबसे पहले जो जज साहब बैठेंगे वो यही बोलते थे कि थोड़ा पेस स्लो करके बोलना वरना कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो जो मेरी आदत थी ना वो मुझे बचपन से रही है, पर मैं चाह के भी इसको स्लो नहीं कर सकती क्योंकि मैं सोचती बहुत फास्ट हूं और बोलती उससे भी ज्यादा फास्ट हूं, जबकि कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा सा कंट्रोल करूँ पर मुझसे होता ही नहीं है। मैं नॉर्मल लाइफ में मुझे आप बात करते देखोगे तो मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हूँ और बस बात की जा रही हूँ बड़बड़ बड़बड़, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो वो एक चीज है, अभी मुझे भी लगा कि चाय वाली बात मैंने बहुत फास्ट में बोल दी, राजधानी एक्सप्रेस बोलते थे मेरे घर पे मुझे सब लोग। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा कम करूं पर वादा नहीं कर सकती हूँ, ये आदत जो है वो सदियों से चली आ रही है मेरे साथ, बट आई विल ट्राई। कौन है? हेलो, हाय, कैसा रहा दिन? मस्त। अंगद जी बना रहे चाय, एक्चुअली मैं बनाना स्टार्ट कर चुकी थी, खुद ही इन्होंने कार्यभार संभाला है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई पति पीड़ित एजेंसी ना आ जाए कि ऑफिस से आने के बाद भी काम करवा रही हो। एक्चुअली आज हमने अदरक और लहसुन दोनों डाला है, मैं लहसुन बोलने वाली थी पता है, अदरक लहसुन दोनों डाल दिया, अदरक और इलायची डाल दिया है। और हाँ कुछ कमेंट्स आए थे कि आप अंगद को व्लॉग में क्यों नहीं लाते हैं, तो आप बताइए अंगद आप मेरे व्लॉग में आजकल क्यों नहीं आते हैं? मैं रोज अभी आजकल ऑफिस जा रहा हूँ, इस वीक से स्टार्ट किया है मैंने और अर्ली नेक्स्ट वीक तक शायद रहेगा, थोड़ा काम में बिजी, इसलिए मैंने इनको बोला कि आना ही पड़ेगा, अपना मुखड़ा दिखाइए, थोड़ा दाढ़ी वाला मुखड़ा जो काटने की बहुत जरूरत है, एक्चुअली फिर से सैलून जाना बंद कर दिया है। हाँ जी। तो ये मेरे हाथों में आ चुके हैं वापिस, पहला लॉकडाउन वाला प्रोटोकॉल फिर से चालू हो गया है, रोज काढ़ा, रोज मल्टीविटामिन और बाल नहीं कटवाना, सैनिटाइजर भर भर के नहाते रहो
और अपनी बाल नहीं कटवाना, वो भी तो बीच में ये दो बार कटवाने जा चुके थे, याद है गुजरात जाने से पहले। तो इस वीकेंड इनका बाल मैं कट जरूर करूंगी, और मेरे हाथ भी बहुत एकदम कह रहे हैं काट लो काट लो काट दो, मैं काटूंगी मैं काटूंगी, ये वाला पोर्शन काटूंगी मैं, सच में खराब हो गया, देखो मैं काम कर रही हूँ, नहीं काटूंगी ये देखिए ये जो है ना इसको कटिंग की जरूरत है, चाहिए मैं बता रही हूँ तुमको, काटना ही पड़ेगा इस वीकेंड को, ऐसे ही रखोगे, कैसा अजीब सा लग रहा है बताओ, समर में गर्मी लगता है। हाँ एग्जैक्टली, तो इस वीकेंड आपका बाल कटेगा। चलिए आपको मौसम का हाल समाचार दे देती हूँ, उसके बिना कैसे ब्लॉग कंप्लीट होगा। तो आज भी देखिए बादल है जैसे रोज है फिलहाल बैंगलोर में, पर हवा नहीं चल रही, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बस मौसम ऐसा गुमसा रहता है, लगता है जैसे बारिश होगी होगी और होती नहीं है, जब चांद निकलेगा वहां पे तो उसके आसपास में भी बादल बहुत सारे दिखते रहते हैं। तो फिलहाल ये है मौसम का हाल। अब हो गया है डिनर टाइम, तो बहुत ही सिंपल मैंने मशरूम पनीर रोल बनाया, मशरूम पनीर के साथ में थोड़ा सा मैक्सिकन सीजनिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, केचप डाल करके सौते कर लेना है, बाद में मैंने चपाती बनाई और उसमें इसे डाल करके रोल बना लेना है। तो जुगाड़ वाली रेसिपी है, पर खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। Bye-bye.